रेणुका सिंह और आप देख रहे हैं एनडी न्यूज। बिहार सरकार ने विश्वविख्यात सहनाई वादक बिस्मिल्ला खां के नाम पर बक्सर के डुमराव में सांस्कृतिक विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय किया है। इस प्रस्तावित यूनिवर्सिटी की स्थापना कला और संस्कृति विभाग की पहल पर होगी। इसके लिए तकरीबन 10 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव दिया गया है। दरअसल सरकार मशहूर कलाकारों के बारे में भावी पीढ़ी को अवगत कराना चाहती है। इसी मकसद से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसमें डॉक्यूमेंट्री फिल्म से लेकर उनकी स्मृतियों को संजोने के लिए बहुत सारी गतिविधियों को मूर्त रूप देने की योजना है। आपको बता दें कि बिहार की कला और संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने पटना में बताया कि प्रथम चरण में सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मंत्री ने बताया कि बिहार के दिग्गज कलाकारों ने जिस तरीके से विश्व भर में नाम रोशन किया है, ऐसे में हम सबका दायित्व है कि इन विभूतियों के लिए कुछ करें। सहनाई की गूंज केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहुंचाने का श्रेय सहनाई के जादूगर भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां को जाता है। सहनाई के जादूगर माने जाने वाले उस्ताद बिस्मिल्ला खां के संगीत की उपलब्धियां को देखते हुए भारत सरकार ने 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। वही 1980 में पद्म विभूषण, 1968 में पद्म भूषण और 1961 में पद्मश्री सम्मान से भी उस्ताद को नवाजा गया था। बता दें कि बिस्मिल्ला खां का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमराव में बिहारी मुस्लिम परिवार में हुआ था। वहीं बिस्मिल्ला खां का बचपन का नाम कमरुद्दीन था। वे अपने माता पिता के दूसरे संतान थे। चूँकि उनके बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था, इसलिए उनके दादा रसूल बख्श ने कहा बिस्मिल्ला, जिसका मतलब होता है अच्छी शुरुआत।